तेज करना है, बाबा ने कहा था। बाबा ने बताया था मधुरता का गुण अब हम सभी में आएगा अगर हम अपनी और दूसरे की बीती को नहीं देखते हैं, सरल चित्त बन जाते हैं। और बाबा ने बताया था कि हम सबको संस्कार मिलाने पड़ेंगे सभी के साथ। और बाबा ने हम सभी को शुभ चिंतक का स्लोगन दिया था, ये जो ग्रुप का नाम दिया था वो सबके चिंताओं को मिटाने वाले शुभ चिंतक ग्रुप ये दिया था। तो आज जो है इसका सेकेंड पार्ट है, एक मिनट, ये भाई जी ऊपर करेंगे आप। जी, तो आज का जो है जो मुरली है इसमें बाप दादा ने दादियों के साथ मुलाकात की है और बाबा ने बताया कि ये जो सेरेमनी मना रहे हैं होली की, जो ग्रुप की सेरेमनी थी, इसमें बाबा ने कहा कि आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि इस सेरेमनी को देखने का मतलब है अपने आप को श्रेष्ठ बनाना। तो अपने आप को जो भी जो इस ग्रुप में है आत्माएं उनके समीप संबंध में आना है। तो बाबा ने दीदी से जब बात की तो इसमें बाबा ने बताया कि ओम शांति, इस मुरली में बाबा ने बताया है इस पाठ में, दीदी से जब मुलाकात करी तो बाबा ने कहा अगर संगम युग में हम तख्तनशीन बनते हैं तो भविष्य में और साकार जो तीन तख्त जो बाबा ने कहे, बाप दादा का दिल तख्त, सर्विस का तख्त और भविष्य का तख्त, तो संगम युग पर अगर हम बनते हैं तो तीनों तख्तनशीन हम बन सकते हैं। फिर जब बाबा ने दादी से बात की, प्रकाशमणि दादी से, तो उसमें भी बाबा ने बताया कि अगर हम एक भी तख्त नशीन बनते हैं तो तीनों तख्त नशीन बन सकते हैं। और उसके लिए बाबा ने बताया कि कौन से बच्चे तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं, जो सदैव नशे में रहते हैं और जिनका निशाना बिल्कुल एक्यूरेट हो, योग और ज्ञान, ये दोनों चीजें बाबा ने बताई कि अगर रहे तो वो बच्चे तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। और जानकी दादी से जब बाबा ने बात की तो बाबा ने बताया कि जब आप साइलेंस में रहते हैं तो आप साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। तो बाबा ने एक बहुत बड़ा राज खोला कि भक्ति में जैसे दिखाते हैं कि भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, कि परमात्मा का परमात्मा समान बोल देते हैं, तो उसका कारण क्या है? बाबा ने कहा कि दादियां जो हैं या फिर जो भी बाबा के बच्चे अनन्य बच्चे हैं वो बाबा के गुण बिल्कुल बाबा के समान बन जाते हैं गुण में, तो इसलिए उनसे ऐसा लगता है कि बाप दादा की मूर्त महसूस होती है वो सभी में साक्षात, इसीलिए उसका भक्ति में है कि हम परमात्मा के रूप हैं सभी, इसी कारण से बोलते हैं। तो यहाँ बाबा ने कहा यहाँ की बातें ही वहां पर चली हैं, तो समानता जो है वो बाबा के गुणों में हमें हमारे में रहे तो उसकी हमें चेकिंग करनी है बाबा ने कहा। और जितनी समानता होगी बाबा ने कहा उतना ही सम्मान मिलेगा। चंद्रमणि दादी से बाबा ने बात की तो बाबा ने कहा लाइट और माइट देने वाले बनना है। और फिर जब निर्मल शांता दादी से बात की तो बाबा ने बताया कि जब हम साक्षी हो जाते हैं तो ये जो व्याधि है, जो भी हमारा हिसाब किताब है, वो भी खत्म हो जाता है, वो भी हमारा, तो ये जो भी हिसाब किताब है वो सब खत्म हो जाते हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा कि साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए आपको साक्षी अवस्था में ज्यादा रहना है। और जब शांतामणि दादी से भी जब बाबा ने बात की तो उसमें बाबा ने हर दादी का एक्चुअल में बाबा ने गुण जो है वो बताया और जो हम सभी को धारण करना है, तो उनके लिए बाबा ने बताया सरलता, स्पष्टता, जो जितना स्पष्ट होता है उतना ही सरल और श्रेष्ठ होता है। तो ये भी बाप दादा की समानता का गुण, मतलब ये संस्कार है कि अगर हम बाप दादा के संस्कारों से समानता लाएंगे तो हम समीपता भी उतनी ही होगी।
तो समानता ही समीपता की निशानी है। और रतन मोहिनी दादी से भी जब बाबा ने बात की तो उन्होंने ये बताया कि स्नेही, सहयोगी और शक्ति रूप, ये तीनों ही गुणों में हमें समानता लानी है और तभी हम डबल ताजधारी बन सकते हैं। तो फिर मनोहर दादी से भी जब बाबा ने बात की तो बाबा ने स्नेही, सहयोगी, ये दो गुण के साथ साथ बाबा ने कहा उसके लिए आपको सर्व के त्यागी बनना पड़ेगा। जब आप सर्वस्व त्यागी बनेंगे, सर्व त्यागी बनेंगे, तो आप सर्व के स्नेही और सहयोगी स्वतः ही बन जाएंगे और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनेंगे। तो अभी हम बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं। आप सभी होली मनाने आए हैं व इस ग्रुप की सेरेमनी देखने। यह भी सौभाग्य समझो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है। सेरेमनी देखना अर्थात अपने को ऐसा श्रेष्ठ बनाना, यह है सेरेमनी। ऐसा अपने को बनाओ जो इस ग्रुप के जैसे साकार में समीप आए हो ना, वैसे ही संबंध में भी समीप हो। देखने वाले भी कम नहीं। दादियों का जो ग्रुप था उसमें बाबा ने कहा इस ग्रुप के समीप हो तो संबंध में भी समीप हो। देखने वाली आत्माएं भी श्रेष्ठ और समीप हैं। बाप दादा के दिल पसंद रत्न हैं, पहले कौन आएगा? बाप दादा तो सभी को एक ही स्पीड में देख रहे हैं, इसलिए 1-2 नहीं कह सकते। इस समय सभी 1 की याद में नंबर 1 ही है। आप लोग भी जब स्पिरिट में, तो बाबा ने स्पिरिट में क्या बोला था कल की मुरली में कि जितना पुरुष स्थिति की स्पिरिट हो, तो बाबा ने कहा आप लोग जब स्पिरिट में यानी स्थिति की स्पिरिट में और पुरुषार्थ की स्पीड में इस ग्रुप के समीप आएंगे तब फिर आपकी भी सेरेमनी होगी। फिर हर एक बड़ी बहनों को बाप दादा चिंदी लगाए रू रिहान करते गए। तो बड़ी बहने कौन सी, पहले दीदी से बात की है बाबा ने। बालक मालिक है इसलिए सामान बिठाते हैं तख्त पर, संदली पर बिठाया बाबा ने। व्यक्त रूप में यह सेरेमनी कर रहे हैं लेकिन अव्यक्त रूप में यह सेरेमनी होती है। बालक को मालिक बनाया, अब से तख्त नशीन बनाते हैं। साकार में थी दिल के तख्त नशीन। दीदी की बात करें कि जब साकार में बाबा थे तो वो बाबा की दिल तख्त नशीन थे, अब हैं सर्विस की तख्त नशीन और भविष्य में होंगी राज्य तख्त नशीन। तो तीन तख्त की बात बाबा ने बात की है, दिल तख्त नशीन, सर्विस की तख्त नशीन और भविष्य में राज्य तख्त नशीन। संगम पर तख्त नशीन अभी बनते हैं। ड्रामा में जो पार्ट नूंदा हुआ है वह कितना रहस्य युक्त है, इसको दिन प्रतिदिन स्पष्ट समझते जाएंगे। स्नेह से भी कर्तव्य कहाँ बंधन में बांधता है। जैसे स्नेह का बंधन है वैसे कर्तव्य का भी बंधन है। देखो बाबा ने कितने से प्यार से बाबा ने बताया दो बंधन। स्नेह से हम बाबा के नजदीक जाते हैं तो वैसे कर्तव्य जो है वो भी एक बंधन है। तो यह है कर्तव्य का बंधन। कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में है, तो बाबा का जो है अव्यक्त रूप से अभी भी बाबा अपने कर्तव्य में बंधे हैं। स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। बाबा ने अपनी यहाँ पर बात की कि साकार रूप में बाबा स्नेह के बंधन में बंधे हुए थे और अव्यक्त रूप में बाबा का कर्तव्य है। कुमार का दादी से, स्वप्न में भी कभी यह सोचा था कि अव्यक्त रूप से तख्त नशीन बनाएंगे? तख्त नशीन कौन बनता है? बाबा बता रहे हैं पिछले पैराग्राफ में बाबा ने तख्त नशीन की बात की तो अब बाबा बता रहे हैं कौन बनता है तख्त नशीन। सभी ध्यान से सुने, जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। त्रिमूर्ति तख्त भी है। अगर एक तख्त नशीन बने तो तीनों तख्त के बनेंगे। बा तख्त नशीन बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है?
बाप दादा को भी नशा होता है कि ऐसे लायक बच्चे हैं। बाबा हमें नशे में रहने के लिए बोल रहे हैं, पर जब हम तीनों तख्त के अधिकारी बच्चे जब होते हैं तो बाबा को भी नशा आता कि मेरे इतने लायक बच्चे हैं। जानकी दादी से, अब तो वाणी मूर्त बने हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूर्त। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर साइलेंस से साक्षात्कार जब बनेंगे तो सभी के मुख से क्या निकलेगा? यह जो गायन है ना कि सभी परमात्मा के रूप हैं, यह गायन संगम पर ही प्रैक्टिकल में होता है। जो भक्ति का गायन है तो बाबा ने कहा वो संगम का ही प्रैक्टिकल है, संगम में हुआ है वो। भक्ति मार्ग में जो भी बातें चली हैं वह सब संगम की बातों को मिक्स किया है। तुम्हारी अंत में ये स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूर्त महसूस होगी। सभी के मुख से यही आवाज निकलेगा, यह तो साक्षात बाप दादा की मूर्त है। साक्षात रूप बनने से साक्षात्कार होगा, बाबा के समान बनेंगे तो क्या होगा? साक्षात्कार होगा। तो जो ये अंत का रूप सभी में साक्षात रूप देखते हैं, इसको मिक्स करके कह देते हैं सभी परमात्मा के रूप है। बाप के समान को परमात्मा के रूप कह देते हैं। ये सभी बातें यहां से चली हैं। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साक्षात बाप दादा समान बनना है। अभी चेकिंग क्या करनी है? समानता की चेकिंग करनी है। वह चेकिंग नहीं, वह तो बचपन की थी। अब यह चेकिंग करनी है, हम सभी को क्या चेकिंग करनी है कि कितना बाबा के समान है। जितनी समानता उतना स्वमान मिलेगा। समानता से अपने स्वमान का पता लगा सकते हैं। समानता कहाँ तक आई है और कहाँ तक समानता लानी है, यही चेकिंग करना और कराना है। यह भी टॉपिक है जिसमें जितनी जिसमें समानता देखो उतनिया उतना समीप समझो कि बाबा के जितना हम में समानता है उतना ही हम समीप हैं। समीप रत्न की परख समानता है। चंद्रमणि दादी से, आप सूर्यमणि हो या चंद्रमणि हो, चंद्रमणिया जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ और सूर्यमणिया जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ होता है? आप कौन सी मणि हो? उन्होंने जवाब दिया, दोनों हैं। शक्ति रूप भी हैं और शीतल रूप भी हैं। इसलिए कहती हैं सूर्यमणि भी है भी हूँ, चंद्रमणि भी हूँ। अभी नॉलेज तो आ गई है लेकिन स्थिति तो नहीं है ना। नॉलेज से लाइट आई है, अभी माइट नहीं आई है। जब लाइट और माइट दोनों में एक रस होंगे तब नंबर आउट होंगे। सबके नंबर कब आउट होंगे बाबा ने कहा? जब लाइट और माइट दोनों में एक रस होंगे। अभी औरों को भी नॉलेज की लाइट दे सकती हो, माइट नहीं दे सकती हो। इसलिए सफलता भी उसी अनुसार होती है। सभी को लाइट अर्थात रोशनी आ रही है कि इन्हों की नॉलेज क्या है। बाबा ने बताया ना कि लाइट किससे आती है? नॉलेज से आती है। तो सभी को लाइट तो मिल गई है, नॉलेज तो मिल गई है, इसीलिए बाबा ने बताया यहाँ पे। सभी को लाइट अर्थात रोशनी आ रही है कि इन्हों की नॉलेज क्या है, लेकिन लाइट का प्रभाव कम है, आधा कार्य अभी रहा हुआ है। माइट देने में नंबर वन यह बनेगी। कोई कोई का लाइट देने में नंबर आगे है, मतलब नॉलेज देने में। कोई का माइट देने में नंबर आगे है। शक्ति जो नॉलेज की लाइट और माइट बाबा कह रहे हैं, कोई कोई का लाइट देने में नंबर आगे है, कोई का माइट देने में नंबर आगे है, कोई दोनों में है। तीन क्वालिटी है। जब बाप दादा चिंदी पहनाते थे तो सभी तालियां बजा रहे थे, तो बाबा ने कहा सतयुग में बजेगी शहनाइयां, अभी बजती हैं तालियां। बाबा ने कैसे रमणीकता से बाबा ने इसको बताया। अब बाबा निर्मल शांता दादी से बात कर रहे हैं, तो वो बीमार नहीं थी, तो बाबा बता रहे हैं तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो,
संगम पर ताज तिलक तख्त और सुहाग भाग सभी मिलते हैं। चार चीजों की बाबा ने बात की, ताज तिलक तख्त और सुहाग भाग। एक एक ही समय पर सर्व प्राप्तियां बाप दादा कराते हैं। जो एक जन्म की देन अनेक जन्म चलती है, वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब एक जन्म में चुकतु करने हैं। यह एक जन्म का अनेक जन्म चलता है, वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। देखो बाबा क्या बात कर रहे हैं कि इस एक जन्म में हमें सारे हिसाब किताब भी चुकतु करने हैं और भविष्य के लिए भी है, वो सभी एक इस एक जन्म में हमें जमा करना है। तो उसी को बाबा ने क्लियर किया है कि वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म होने के कारण कभी कभी वह फोर्स से रूप ले आता है, मतलब तो ज्यादा जो ऊपर नीचे होता है शरीर का। तो बाबा ने कहा वो क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक ही जन्म में खत्म हो रहा है। बाप दादा यह युद्ध देखते रहते हैं, आप भी देखती हो अपनी व दूसरों की। जब साक्षी हो देखने लग पड़ते तो यह व्याधि बदल कर खेल रूप में हो जाती है। देखो बाबा ने तन के हिसाब किताब को हम कैसे आसानी से चुकतू करें, तो उसके लिए बाबा ने कहा जब साक्षी हो देखने लग पड़ते तो यह व्याधि बदल कर खेल रूप में हो जाती है। बाप दादा साक्षी हो देखते भी हैं और उनका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं। थकती तो नहीं हो ना? उन्होंने जवाब दिया नहीं। अथक बाप के बच्चे अथक और अविनाशी हो। मालूम है अब क्या करना है, अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है। तो पिछले में बाबा ने साक्षात्कार मूर्त के लिए बाबा ने कहा साइलेंस को तुम्हें रखना है, बाबा के समान बनना है। और फिर कहा बाबा ने लाइट माइट रूप धारण करना है, लाइट माइट देने वाला। और अभी बाबा ने कहा साक्षी होके देखना है। तो अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। शांतामणि दादी से, श्रेष्ठता लाने के लिए मुख्य गुण कौन सा है? जितनी स्पष्टता होती है उतनी श्रेष्ठता आती है। जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। स्पष्टता श्रेष्ठता के नजदीक है और जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है। सफलता फिर इतनी समीपता में लाती है। तो बाबा ने मेन गुण जो बताया वो स्पष्टता का बताया, जिससे सरलता और श्रेष्ठता और फिर सफलता, सफलता से समीपता। तो चारों को बाबा ने कनेक्ट किया। समीप रत्नों की निशानी किससे मालूम पड़ेगी? समानता से। बाप दादा के संस्कारों की समानता से समीपता का मालूम पड़ता है। तो समानता समीपता की निशानी है। आदि रत्न हो आदि सो अनादि, जो आदि रत्न है वे अनादि गायन योग्य बनते हैं क्योंकि आदि देव के साथ मददगार हैं। आदि रत्न ही सृष्टि के कर्तव्य के आधार हैं। रतन मोहिनी दादी जी से, स्नेही हो व सहयोगी हो। उन्होंने जवाब दिया दोनों। स्नेही और सहयोगी दोनों समान है। जितना जो स्नेही उतना सहयोगी बनता है। स्नेही सहयोग के बिना रह नहीं सकता। जितना स्नेही है उतना सहयोगी है, उतना ही शक्ति रूप भी है। जब स्नेह सहयोग और शक्ति तीनों की समानता होती है तब समाप्ति होती है। अब बाबा ने समानता को समाप्ति से जोड़ा है। इस समय डबल ताजधारी हो,
के भविष्य में बनेंगे। संगम पर डबल ताज धारी हो, कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का ताज, वह स्थूल और वह सूक्ष्म है ना। स्नेह का ताज सूक्ष्म है, जो जहां डबल ताजदारी बनते हैं, जो यहाँ डबल ताजदारी बनते हैं, वह वहां भी डबल ताजदारी बनते हैं। बाप दादा डबल ताज देते हैं, इसका स्नेह और सर्विस का। नंबर वन नंबर वार ताज तो होते हैं ना, यहाँ भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ताजधारी देखने में आएंगे। मनोहर दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं, जैसे साकार में जब अव्यक्त प्रोग्राम चलते थे तो श्रृंगार कर बैठते थे, आज वही श्रृंगार किए हुए चित्र देखते हैं, गुणों के श्रृंगारे हुए चित्र। हरेक की विशेषता अपनी अपनी है, जो विशेषता समीप लाती है। आपकी विशेषता क्या है? सर्व से स्नेही और सर्व के सहयोगी बनना, यह विशेषता है। जो सर्व के स्नेही बनते हैं, सर्व से स्नेह भी उनको प्राप्त होता है। सर्व स्नेही भी कौन बनते हैं? जो मेन गुण बाबा ने बताया वो है जो सर्व त्यागी होते हैं। जो सर्व त्यागी होते हैं वही सर्व के स्नेही और सहयोगी बनते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो, सिर्फ अपनी नहीं। देखो बाबा बता रहे हैं कि हमारे संकल्पों में भी क्या हो, सबके प्रति कल्याण की भावना हो। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोचें कि हमारा हो, हम आगे बढ़े, नहीं। ऐसे ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। ऐसे को बाप दादा तथा सभी से सत्कार मिलता है। सत्कार का अधिकार लेना यह भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को थैंक्स, आप सभी को भी थैंक्स। शांति आपका भी थैंक यू। कल्पना सिस्टर, योग कराया अच्छे से, मुरली का रिविजन हुआ और मुरली रीड किया, टाइम पे खत्म हुआ। अभी हम एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं। शांति।
ओम शांति। श्वेता सिस्टर आप है क्या? ठीक है, तो मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं हम, पर सबसे सबको एक रिक्वेस्ट है कि हम सारे ही आज इसी ग्रुप में हैं, तो प्लीज हैंड रेज करके फिर आपने ओके ओके ठीक है ठीक है, होस्ट बनाना पड़ेगा आप कल्पना सिस्टर आपको ऐसे। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है, तो हो जाएंगे अभी ब्रेकआउट रूम्स। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं मेन ग्रुप। सभी ने ज्वाइन नहीं किया है ब्रेकआउट रूम, जिन जिनके पास आ रहा है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए जी। चैट में किसी ने पूछा है कि चिंदी का मतलब क्या हुआ, कोई बताना चाहता है? एक तो तिलक की बाबा बात करते हैं, जो ये जो मुरली चली इसमें बाबा ने चिंदी की बात करी, कोई बताना चाहता है तो बता सकते हैं। सभी मुरली चिंतन भी कर सकते हैं। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। और चैट में भी जो किसी ने पूछा है चिंदी का मतलब, वो भी बता सकते हैं। ओम शांति। चिंदी में उसे बोलते हैं जो वो मांग टीका होता है ना, जो पीछे चेन मांग में लगाते हैं और आगे पेंडेंट सब, वो एक टीका सा होता है, तो उसको चिंदी बोलते हैं। फिर से बताओ, समझ नहीं आया। ये जो मांग टीका लगाते हैं ना, शादियों में भी पहनते हैं, जो मांग के अंदर बीच में मांग के अंदर एक चेन सी होती है और आगे उसके पेंडेंट माथे पर लगा लटका हुआ होता है एक छोटा सा, है ना, उसको चिंदी बोलते हैं। बाबा ने इसका क्या तात्पर्य लिया, लेकिन समझ नहीं आया ना। हाँ, मांग टीका ही होता है ना, उसको भी मांग टीका ही बोलते हैं, चिंदी बोलते हैं बाबा ने। पर बाबा ने मुरली में क्यों बोला है? ओम शांति दीदी। वो टीका छोटा होता है, वो काफी बड़ा होता है ना, वो टीके की तरह ही होता है, लेकिन गोल सा पेंडेंट होता है वो।
तो बाबा ने इसलिए वो ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट होता है, ज्यादा अच्छे से दिखता है। किसी को शेयर करना है वो करिए, फिर हम बताते। जी दीदी, ओम शांति जी। ये चिंदी मतलब एक तो टीका होता है जो कि बिंदी बोलते हैं, तो गोल होता है छोटा सा या बड़ा भी। दूसरा चिंदी मतलब एक लंबा सतिका लगाया जाता है, जो मतलब भ्रिकुटी में ऐसे लंबा करके लगाया जाता है। तो बाबा ने उसको बोला कि जिम्मेवारी का ताज है, और सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। तो चिंदी मतलब वो लंबा सा मतलब जो कि जिम्मेवारी बाबा दिए हुए हैं। जी, ये पेज नंबर 60 में ही बाबा ने बताया था वहां पर कि जो चिंदी है वो तिलक जो है वो छोटा होता है और चिंदी जो है वो बड़ी होता है। तो बड़ा एक्चुअल में बाबा ने क्या बताया कि अगर आप हिम्मत रख के जो भी जिम्मेवारी बाबा जो है आपकी उसको आप निभाते हैं, उसको करते हैं, तो वो चिंदी को धारण करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने वहां पर उसको यूज किया था। और आज बाबा ने क्या बताया, कोई शेयर करेगा? कौन कौन से गुणों को हमें धारण करना है? मीन जो बाबा ने जो मुरली का सार था वो क्या था, क्या समझा? सभी को आवाज आ रहा है? जी दीदी जी आ रही है। तो एक पॉइंट बाबा ने बोला आज कि ये स्नेह शक्ति और सहयोग, स्नेह सहयोग और शक्ति का समानता होने से ये क्या बोलते हैं, जो समाप्ति है सामने आएगा, मतलब समाप्ति है वो जल्दी आएगा। इसका जब समानता हो जाएगा स्नेह सहयोग और शक्ति, तब समाप्ति समीप आएगी, ये बाबा ने पॉइंट बोला था। जी, और क्या बताया बाबा ने? और बाबा ने ये भी बोला कि ये स्नेह और ये इसका भी समानता बोला बाबा ने, स्नेह मतलब बाबा से प्यार और सेवा का जिम्मेवारी, ये सहयोग, इसका भी बाबा ने बोला कि समानता होना चाहिए इस दोनों में भी। और किसी को शेयर करना है? कौन कौन से गुण जैसे अभी बताया उन्होंने स्नेह सहयोग का, और कौन से बाबा ने साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए या बाप समान बनने के लिए और क्या बताया बाबा ने? दीदी बाबा ने ये भी बोला कि साक्षी होने से और साक्षी दृष्टा अवस्था में स्थित होने से ये हम लोग साक्षात्कार मूर्त हो सकते हैं, मतलब साक्षात्कार मूर्त बनना है तो हम लोग को साक्षी स्थिति पे स्थित होना चाहिए, ये भी बाबा ने कहा। बहुत अच्छा पॉइंट था ये, इसका कभी-कभी अभ्यास करने से बहुत ही मतलब एक नया किस्म का अनुभव होता है। कैसे हम साक्षी बने? जी हम बोले दीदी इस टॉपिक एक लाइन। जी सभी बोले, आप भी बोलिए। तो दीदी इसमें मैंने साक्षी दृष्टा का अभ्यास करने का कोशिश जब किया था शुरू शुरू में, तो ऐसे पता नहीं चल रहा था क्या है,
तो एक बार ऐसे सुने थे कि श्री राम को जब वशिष्ठ ऋषि शायद उनको बता रहे हैं कि साक्षी दृष्टा क्या होता है, तो अपने शरीर से वो निकल करके, और श्री राम को भी ऐसे कुछ अपने ऊर्जा से अपने शरीर से निकलने का उनको एनर्जी देते हैं, फिर वो निकलते हैं, फिर दिखाते हैं कि देखो ये वशिष्ठ ऋषि है, इनका शरीर है और ये तुम्हारा शरीर है, और ये ऋषि समझ रहा है कि ये तुमको ज्ञान दे रहा है, और तुम ये समझ रहे हो कि तुम ज्ञान उनसे पा रहे हो, लेकिन अगर तुम साक्षी दृष्टा अवस्था में रहते हो तो तुम खुद को भी देख सकते हो और तुम अपने आसपास के सबको भी एक सीन की तरह देख सकते हो। तो ये अभ्यास करने के लिए मैंने बाबा का एक पॉइंट यूज किया था, सुदर्शन चक्रधारी। जब हम लोग सुदर्शन चक्र को फिराते हैं और काफी देर तक उस पर अभ्यास करते हैं तो साक्षी अवस्था में स्थिर हो सकते हैं। ओम शांति की। जी, और कोई शेयर करेगा? ओम शांति दीदी। बाबा बोला स्वप्न में भी कब यह सोचा था कि अव्यक्त रूप में तत्व मशीन बनेंगी। तत्व मशीन कौन बनता है? जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। नशा और निशाना, जोग और ज्ञान, ऐसे बच्चों ही तीनों तत्व के अधिकारी बनते हो। ओम शांति। कौन सा नशा रहे और कौन सा निशाने की बाबा बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई बताएगा? किस कौन सा नशा हम सभी को होना चाहिए? ओम शांति। बाप समान बनने का नशा होना चाहिए और लक्ष्मी नारायण बनने का निशाना होना चाहिए। बाबा ने उसको योग और ज्ञान, इन दो चीजों से उसको बताया है। आपने देखा होगा दोनों, जब बाबा ने यूज किया नशा और निशाना, योग और ज्ञान। तो वो नशा जो भी है उसको बाबा ने योग से कंपेयर किया है, ठीक है, और निशाना वो बाबा ने ज्ञान से किया है। तो इसको कैसे समझा है? कोई बताएगा? नशा और निशाना, नशा अच्छे जोग और निशाना अच्छे। अच्छा, किसी और को कोई और पॉइंट शेयर करना है? बाबा ने आज जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको कंपेयर किया है। किससे कंपेयर किया है? बाबा ने लाइट माइंड की बात की है ना। जी कैसे बनता है ज्ञान? लाइट है, और माइंड क्या है? माइट मतलब माइट शक्ति, माइट का मतलब शक्ति हुई। कैसे आएगी? जब हम उस ज्ञान का स्वरूप बनेंगे दीदी, जी बहुत अच्छा। जब हम ज्ञान का स्वरूप बनेंगे तभी माइट आएगी। अभी सभी मेन रूम में आ रहे हैं। क्योंकि लौकिक में भी जो पढ़ाई होती है दीदी, जब हम उसको पूरी तरह से धारण करते हैं, प्रैक्टिस में ला पाते हैं, तभी हमें उसकी जो ताकत है या जो भी उससे हमें फायदा मिलता है। तो बाबा भी हमें इसीलिए बताते हैं कि हम उसे धारण करें और वो चीजें हमारे अंदर है, जो शक्तियां बाबा में है वो बाबा में इसी तरह से देना चाहते हैं। जी, मैं अब आप देखिए। बोलिए। ठीक है, तो हम समझते हैं कि सबने अच्छे से
पॉइंट शेयर भी किए होंगे, पॉइंट की गहराई को भी समझे होंगे, है ना। और हमें क्या धारण करना है इस मुरली से, ये भी मन ही मन सपने खुद के लिए तो होमवर्क लिया ही होगा, लेकिन एक कॉमन होमवर्क जो हम देते हैं। कल्पना सिस्टर आप देंगे होमवर्क? ओम शांति। आज बाबा ने साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए कहा और बाबा ने कहा कि इस चीज की चेकिंग करनी है कि कितनी समानता हमने आई है और कहाँ तक समानता लानी है। बाबा ने कहा यही चेकिंग करनी है आप सबको। और बाबा ने जितने भी जो भी मुरली में बाबा ने जितने दादियों से बात की तो हर एक के लिए बाबा ने जो गुण धारण करने को कहा, जो भी बात की है, वो सभी हम अपने में चेक करें। जैसे बाबा ने लाइट माइट की बात की है, या बाबा ने नशे और निशाने की बात की है, या बाबा ने साक्षी अवस्था, स्नेही, सहयोगी, शक्ति रूप, त्याग, सर्वस्व त्यागी, तो ये जो भी गुण बाबा ने बाप समान बनने के लिए बताए हैं, तो हम सभी अपने में चेक करें कि कहाँ तक ये गुण हम में आए हैं और कैसे हम, अगर ये परसेंटेज में है तो कैसे हम इसकी परसेंटेज को बढ़ाएं। तो इस पे सभी चिंतन करेंगे, स्वयं की चेकिंग करेंगे कल पूरा दिन भर कि कहाँ तक हम साक्षात्कार मूर्त बने हैं। ओम शांति जी। शुक्रिया। तो अभी जैसे होमवर्क बताया कल्पना सिस्टर ने, तो वो हम करेंगे और अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं, जो जो संकल्प देंगे उसमें स्थित होने का हम अभ्यास करते हैं और उसके बाद इस कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। मैं अपने आप को स्मृति दिलाती हूँ कि मैं आत्मा सर्वस्व त्याग करने वाली, त्यागी मूरत आत्मा हूं। इस स्थूल देह का, देह की स्मृति का संपूर्ण त्याग, और मैं अशरीरी आत्मा इस स्मृति से ही मैं अपने आप को साक्षी होकर देखती हूं। चौरासी जन्मों के मेरे पाठ, मैं अलग और मेरे पाठ अलग, कभी देवता तो कभी उस देवतापन की याद का उच्च मूरत, और सारे कल्प को आदि मध्य अंत को जानने वाली मैं ब्राह्मण, और दातापन की संपूर्ण मूरत फरिश्ता, इन सब से साक्षी होकर मैं अपने अनादि स्वरूप को देखती हूं। ये मेरे पांचों स्वरूप मैं संपूर्ण साक्षी होकर देखती हूं।
और ये विश्वास है, ये निश्चय है इन पांचों स्वरूपों की मैं साक्षात्कार मूर्त बनने वाली, साक्षात्कार कराने वाली, बाप दादा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। शांति।